जल संसाधन विभाग की लापरवाही से किसानों का हो रहा नुकसान। 20 से 25 एकड़ खेत के किसानों ने नुकसान को लेकर की मुआवजे की मांग। छुरिया ब्लॉक मुख्यालय अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गैंदाटोला के किसानों को जल संसाधन विभाग की लापरवाही से हो सकता है भारी नुकसान। किसानों व ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अड़ियल रवैये को लेकर ग्राम पंचायत गैंदाटोला में बैठक रख कर हुए नुकसान को लेकर भरपाई के लिए शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि गैंदाटोला के किसानों ने जल संसाधन विभाग की लापरवाही को लेकर सरपंच व ग्राम पटेल को जानकारी मुहैया कराया, जिस पर ग्राम प्रमुखों ने विभाग तक अपनी बात रखी, किंतु 5 से 6 दिन बीत जाने पर भी अब तक न एक कर्मचारी पहुंच पाया, न अधिकारी और न किसानों को राहत मिल पाया। ऐसे में किसानों व ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। वहीं 20 से 25 एकड़ खेतों के किसानों ने बताया, लगे फसलों तक जा रहे नाले का पानी विकराल रूप लेकर फसल को तो बर्बाद कर ही दिया, साथ में खेतों में बह रहे पानी के बहाव ने खेत को भी अपने चपेट में ले लिया, लेकिन अब तक विभाग ने उनकी सुध भी लेने नहीं पहुंचे, जिससे किसानों में जल संसाधन विभाग के प्रति नाराजगी जताई। किसानों ने बताया, जल संसाधन विभाग द्वारा नहर नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जो धर्मुटोलो बांध से गैंदाटोला तक पहुंचा है, जो अभी आधा अधूरा है, जहां से पानी नहर नाले से आ रहा है, जो आगे पानी जाने पुल बंद होने के कारण पूरा पानी कटकर खेतों में जा रहा है, जिससे किसानों के लगे फसल व खेत को नुकसान हुआ, जिसके पूरे जिम्मेदार जल संसाधन विभाग है, जो समय रहते बंद पुल को नहीं खोला गया। समस्या ये है कि अभी जल संसाधन के द्वारा ये नहर का निर्माण हुआ है, आधा अधूरा निर्माण किए हैं, ये निकासी का साधन भी बनाए हैं और इन नाली खोद दिए हैं, और जिससे किसान का करीब करीब 25 से 30 एकड़ खराब हुआ है, इतना खराब हुआ है कि वो दोबारा उसमें लगा नहीं सकते। तो इसमें अभी तक विभाग के कर्मचारी कोई अधिकारी देखने आए हैं? विभाग द्वारा अगर बात किया जाए, मैं चूंकि 2 साल से इन लोग से लगा हुआ हूँ, बात किया हूँ, तो क्या बोलते, पत्थर आ गया, अटक गया है। आज इंजीनियरिंग में हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है, है ना, और 2 साल से 5 साल से पत्थर नहीं हट पा रहा है, तो ये जल संसाधन का नाकामी है ना। तो ऐसे में अभी जो किसानों को जो खेत में भी नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर ये नहीं ये कर सकते तो किसान भाइयों तो बोल रहे हैं उग्र आंदोलन करेंगे, है? और कुछ और चार दिन हो गया, अधिकारी लोग से बात हो रहा है, मैं खुद बात कर रहा हूँ, है ना, किसान लोग मेरे पास रोज 25-30 आ रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया है, इसमें ये करो, मैं सब अधिकारी से बात कर रहा हूँ, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहा है, इस पार्ट में अभी तक एक अधिकारी आके नहीं देखा है। तो ऐसे में जैसे जो किसानों भाई लोगों का जो है अगर नुकसान हो रहा है, हाँ, उसकी भरपाई के लिए आप लोग क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, शासन उसको देगी भरपाई, किसान तो यही बोल रहे हैं कि हमारा भरपाई नुकसान हुआ है, उसका भरपाई करे, ऐसा है कि। चलिए ठीक है, अपना परिचय बता देंगे पूरा आप? मैं ग्राम पटेल महेश गुप्ता गैंदाटोला। वही हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, और ऐसे जल संसाधन विभाग में बैठे कर्मचारी अधिकारी जो जानबूझकर आज कल करते हुए आए, उन पर कार्यवाही करें। हम लोग गैंदाटोला से, हाँ, ये क्या परेशानी का होती है ये पूरा, मतलब जो नहर नाली जो बनाया है, कच्ची नहर नाली बना चुका है और वहाँ से चौक हो गए हैं, नहर नाली बंद कर दिए गए हैं, अच्छा, उसको अभी ओपन नहीं किया है, है ना, वही का पानी मतलब पूरा आकर हम सब मतलब 20-25 एकड़ खेत है उसको पूरा बर्बाद करते हुए पूरा पानी इधर आ रहा है। अच्छा, तो पूरा फसल पूरा खेत सब बर्बाद हो गया है। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं नुकसान के लिए? हम लोग नुकसान का भरपाई देगी। अच्छा, तो अब इसमें 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 जो है धान तो अब हो पाएगा इसमें? और धान तो अब है ही नहीं, धान अब नहीं है, तो मतलब आप लोगों की मांग है कि शासन द्वारा जो है मुआवजा दिया जाए। हाँ, मुआवजा दिया जाए। और इसके जो है ये जो गड्ढा जो हुआ है पूरा पानी चलते हुआ है? हाँ, पानी की वजह से हुआ है। तो अभी तक कोई जल संसाधन विभाग से कोई देखने आया है इधर? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया ना? नहीं। कौन सा पड़ता है जल संसाधन विभाग? नांगो। चले, हम लोग सब किसान मिलकर पटेल और सरपंच के पास गए थे, इन्होंने अधिकारियों को फोन लगाया और अधिकारी 5 दिन से आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, आज आ रहे हैं करके बस बोल बोल के इन लोग टरका रहे हैं काम को अपना। तो ये देख रहे थे, ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये धर्मुटोला बांध नया नहर नाली बांध काम किए हैं, जो रोड में जाके जाम हो गया, बंद कर दिए वहाँ पर से, तो ये खेत फोड़ते हुए पूरा पानी आ रहा है। अच्छा। धर्मुटोला बांध का पानी है ये। तो लगभग कितना एकड़ खेत में नुकसान होने का? 20 से 25 एकड़ खेत नुकसान हो रहा है।
तो इसके लिए कोई विभागीय कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, बस फोन में बात हो रही है, अब आएंगे करके बोलते हैं। बहरहाल अब देखना इस पर विभाग अब कब संज्ञान लेती है व किसानों को हुए नुकसान को लेकर क्या कदम उठाती है। मुझे जानकारी मिली है जिसे मैं जल्द दिखवाती हूँ, कहीं किसी के दारा पुल पर पत्थर डालकर जाम किया गया है, इसके लिए गोताखोरों को बुलाया गया है। जल्द किसानों को नुकसान से बचाया जाएगा।